उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़, आपकी आवाज़। जय उत्तराखंड वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपने चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर निर्णय ब्लॉक से। जिनता इंटर कॉलेज निर्णय के प्रांगण में बेसिक स्कूलों की शरतकालीन एवं शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता का आरंभ किया गया और दो दिन चले इस कार्यक्रम में आज फाइनल में प्रथम स्थान पर स्कूल उठंडा रहा, दूसरे स्थान पर परसौली और तीसरे स्थान पर हल्दुखाल का स्कूल रहा। सभी बच्चों में बड़ा उत्साह था और काफ़ी बच्चों को इससे कुछ सीखने को मिला। वैसे मॉडर्न ने भी यहाँ पर आज एक छोटी सी धनराशि देकर स्कूल के बच्चों के प्रोत्साहन के लिए एक सहयोग दिया। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी संजीव निगम ने। देखिए क्या कहते हैं लोग। हम आप सभी अभिभावकों और बच्चों से कहना चाहेंगे कि वैसे माउंटेन वो चैनल है जो पहाड़ की सुदूर क्षेत्र की खबरों को आपको अपने संसाधनों से अपने जरिए से इन खबरों को आप तक लाता है। एक जरूर है, एक समझ काम हमारा, लेकिन जब तक आप इसे शेयर नहीं करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, अपने विचार नहीं देंगे, हम आपके सहयोग कैसे कर पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े हमसे। धन्यवाद। साथियों, इस समय मैं नैनाणा ब्लॉक में हूं और यहां पे जो आप देख रहे होंगे, बच्चे सामने देख रहे होंगे, आज यहां पे जो ब्लॉक स्तरीय जो खेल चल रहे हैं उसकी प्रतियोगिता चल रही थी दो दिन से लगातार। छोटे छोटे बच्चे हैं और स्कूल का नाम क्या है बच्चा आपका? मतलब कौन से स्कूल? संकुल परसौली के जो सेकेंड आए हुए हैं, फर्स्ट मैं आपको जल्द मिलाने वाला हूँ, इनको ट्रॉफी मिली हुई है। पहले बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं वाइज ऑफ माउंटेन की तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे बढ़ते रहिए आप। मैं गुरु से मिलना चाहूँगा। गुरु जी, एक गुरु जी आप आ जाओ, कोई आ जाओ यहाँ पे। हाँ आप आ जाओ, आप आ जाओ यहाँ, आप आओगे, आप आ जाओ, कोई आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ। बच्चे जिस तरह से लगातार खेल रहे हैं, खेल में आगे प्रोत्साहन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है, बच्चों की कमी हो जाती है स्कूलों में, है ना। तो अभी बच्चों में कितना उत्साह है और कितने स्कूल के बच्चे ये लोग हैं? सर बच्चों में तो उत्साह होता ही है, पूरे संकुल के बच्चे हैं, लेकिन हम लोगों का क्या होता है कि उस समय हम तैयारी करवा ही नहीं पाते। हम एट ए टाइम, मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब संकुल की टीम टाइम से पहले तैयार हो जाए और तैयार होने के बाद उसकी पूरी समय प्रैक्टिस कराई जाए और ब्लॉक रैली में ले जाए और जिले में उस समय ले जाया जाए जो लगे कि हाँ हम अचीव कर सकते हैं और बहुत अच्छा अचीव हो सकता है, लेकिन हम लोग उसी समय तैयार करवाते हैं। सारे अध्यापक भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि अपनी संकुल की टीम आप तैयार करवा लें अप्रैल मई में, उसके बाद उनको प्रैक्टिस करवाइए। एक टीचर तो अच्छा होता ही है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हर सीआरसी में। चलो तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ। आपको सेकंड आप आए यहाँ पे और बच्चों को ऐसे प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए सर, आपका आपको भोजन भोजन मानने की बहुत हम तो लगे रहते हैं सर। थैंक यू। तो कुल मिला के आपने देखा यहाँ पे जो दो दिन से जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे। सबसे पहले पूछूंगा आपका जो फर्स्ट बच्चों, ये कितने स्कूल है सर यहाँ पे अभी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस खेल में? मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा वॉइस ऑफ माउंटेन को, संदीप नेगी जी को, कि आप हमारे कार्यक्रम में पहुँचे, साधुवाद के पात्र हैं आप। तो यहाँ पे सर कम से कम हमारे 10 विद्यालय यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय 10 विद्यालय हैं। अच्छा। और 2 जूनियर हैं यहाँ पे, 10 प्राथमिक और 2 जूनियर। जी। अभी फर्स्ट जो आए हैं आज बच्चे यहाँ पे, कैसे कितना उत्साह लग रहा है बच्चों में? बिल्कुल सर, उत्साह देख रहे हैं आप, एक पत्रकार के रूप में आप यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उत्साह सभी बच्चों को यहाँ पे देख रहे हैं आप। बच्चे सब डांस कर रहे हैं और सब बच्चों ने बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे अपने प्रतिभाग किया और निश्चित रूप से आज हमारे बच्चे ब्लॉक में प्रथम पंक्ति में पहुँचे। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इसी तरह से बच्चों का उत्साह आप बढ़ते रहे, साथ साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सर आपका शुभ नाम? सर मैं रोशन लाल कोश, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ नैनी डांडा का हूँ सर। जी, जी। और यहाँ पर जो जितने भी प्रतिभागियों द्वारा, जितने भी संकुल द्वारा ये क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और बच्चों ने जोश के साथ बड़ा ही अच्छी तरह से जो है यहाँ पर खेल खेले और उन बच्चों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और विकास खंड नैनी डांडा की तरफ से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जी, जैसे कि आपने कहा कि आप क्रीड़ा स्थल में आप अध्यक्ष भी हैं, क्या कहा आपने? मैं कोष अध्यक्ष हैं आप।
सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है सर? कोर्स की दिक्कत आती है। मैं जब भी देखता हूँ स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, चाहे वो जूनियर हो चाहे हाई स्कूल हो, उसमें कोर्स की बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके लिए सरकार तरफ से भी मुझे लगता है कि सफिशियंट अमाउंट नहीं मिल पाता इन बच्चों को, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है सर? उसके बारे में ये है कि मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूँ कि बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कोर्स की अधिक से अधिक व्यवस्था की जाए। लेकिन हम, मैं इस नैनी डांडा विकास खंड के समस्त शिक्षकों से भी, उन्होंने यहाँ पर जो है कि अपने स्तर से भी यहाँ पर व्यवस्था की है, और उन्होंने यहाँ पर जो है कि धनराशि अपने जेब से भी दी, और अपने विद्यालय से हम लोगों ने जो है कि अपनी जेब से लेकर के यहाँ पर किसी भी प्रकार की धनराशि की कमी महसूस नहीं होने दी। धन्यवाद सर। तो मेरे साथ हैं आज के जो चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे, सुरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि पूर्व बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं। आज बच्चों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है सर, और आज यहाँ पे चीफ गेस्ट भी के नाते आप यहाँ पे पहुँचे, तो क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे फंड की भी प्रॉब्लम आती है उन बच्चों को, जो यहाँ से पौड़ी कहीं जाना हो बाहर खेलने के लिए? और आज का जो प्रोग्राम है, दो दिन के दिवसीय प्रोग्राम है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बॉयज ऑफ माउंटेन का कि आपने इस कवरेज को यहाँ पे दिखाया। और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि ये जो शरदकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता होती है बेसिक और जूनियर स्तर की, बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम जो है, जो हमारे समन्वयक और जो हमारे प्रभारी थे खेल प्रभारी, उनके द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया गया। निष्पक्ष भावना से जो खेल भावना होती है उसके तहत कार्यक्रम हुआ। लेकिन जो दिक्कतें आती है, निश्चित रूप से आती है, क्योंकि संसाधन जुटाने पड़ते हैं उसके लिए, और ऐसी सरकार के द्वारा भी ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है कि खेल के लिए स्पेशल कोई बजट हो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो हमारे खेल प्रभारी हैं, जो हमारे यहाँ पर टीम मैनेजमेंट हैं, जो समन्वयक हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छा समापन यहाँ पर इस खेलों का किया गया। और मैं भी इसमें, आज माननीय विधायक जी ने इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करनी थी, लेकिन अस्वस्थता के कारण उपलब्ध नहीं हो पाए, और मैं उनका एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के रूप में मैंने यहाँ पर शिरकत की। और मैंने यहाँ पर घोषणा भी की है कि जो बच्चे अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके अंदर वास्तव में उनके अंदर काबिलियत है, क्वालिटी है उनके अंदर, तो मैंने यहाँ पर घोषणा की उन बच्चों को मैं हर संभव प्रयास करूँगा आर्थिक रूप से कि उनके लिए, चाहे वो स्टेट खेलने जाए, चाहे वो जिला स्तर पर खेलने के लिए जाए, तो मैं उनकी हर संभव प्रयास करूंगा कि वो उनके जो आर्थिक स्थिति, जो उनकी सामने दिक्कत आएगी, मैं उसका पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा, ऐसा मैंने आश्वासन यहाँ पर आज पूरे जो कमेटी हमारे यहाँ पे थी, मैनेजमेंट थी, उनको पूरा आश्वस्त कर रखा है, और निश्चित रूप से के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत बड़ी बात कह दिया आपने सर, कि जैसे कि सर ने कहा कि यहाँ पे जो कमजोर वर्ग के बच्चे रहते हैं वहाँ पे उनके लिए फंड की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे तैयार हैं, कोई दिक्कत हो कहीं पे तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो देखते रहेगा साथियों वॉइस ऑफ माउंटेन, संजीव ने के साथ नैनी डांडा ब्लॉग। जय प्रणाम। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।